निषादपुरा पुलिस ने महिला मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने वाले मेडविन हॉस्पिटल के दो डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए के तहत केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिलिंग की जांच में खुलासा हुआ कि ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हुई है। इसके साथ ही पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वर्कअप नहीं किया गया। जांच समिति रिपोर्ट में लिखा कि जो ब्लड मरीज को दिया गया वह सही ग्रुप का नहीं था, लेकिन मरीज की ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में लापरवाही की गई जो महिला की मौत की प्रमुख वजह बनी। पुलिस ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल भोपाल पीएम रिपोर्ट डॉक्टरों के ओपिनियन परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। निषादपुरा थाना प्रभारी रुपेश दुबे ने बताया कि अभी आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक जनता नगर फेज 3 निवासी अनिल मालवीय ने 18 जनवरी 2022 शाम 6 बजे अपनी बहन अंकिता मालवीय को सीने में दर्द होने से हाउसिंग बोर्ड करोंद स्थित मेडविन अस्पताल में एडमिट कराया। ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर ताबिस और दिलसाद ने उसे एनीमिया एंट्रिक फीवर से ग्रस्त बताया। दोनों ने उपचार शुरू कर ब्लड चढ़ाया। अगले रोज 19 जनवरी को 1:30 बजे अंकिता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अंकिता का प्यूपिल्स अस्पताल में पीएम कराया। डॉक्टर रंजन पराशर ने पीएम रिपोर्ट में ओपिनियन स्पष्ट न देते हुए विसरा की रासायनिक जांच, हार्ट प्रिजर्व कर हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच परीक्षण कराने के लिए लिखा। पुलिस ने प्रिजर्व विसरा का रासायनिक परीक्षण FSL भदभदा भेजा, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी FSL ने अपनी रिपोर्ट में आर्टिकल में रासायनिक पॉइजन होना नहीं पाया। पीएम रिपोर्ट में ओपिनियन रिपोर्ट ना देने से पोस्टमार्टम डॉक्टर से पीएम की क्यूरी कराई गई, जिसमें डॉक्टर रंजन ने मृत्यु का कारण खून ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन से होना पाया। इसके बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को अंकिता की मृत्यु की सभी जांच रिपोर्ट और दस्तावेज भेजे। काउंसिल ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम डॉक्टर पीके बघेल, डॉक्टर हर्षवर्धन खुशाल राव खरतड़े, डॉक्टर संतोष सिंह से जांच कराई। उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी। अंकिता की शादी झांसी में हुई थी। उनका पति से तलाक का मामला चल रहा था, इस वजह से वह जनवरी 2022 में अपने मायके में रह रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें मेडविन अस्पताल में भर्ती कराए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। वह गृहिणी थी। पुलिस ने साल भर की जांच के बाद दोनों आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया। अभी डॉक्टरों की डिग्री के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।